गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 21वां अध्याय जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण। अब उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है उसके बारे में तो अपन अपनी जो पिछली वीडियोज हैं उनमें जान चुके हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण का एक सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारे आजकल के उपभोक्ता हैं उनको शोषण से बचाना, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी हो रही है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई मिलावट हो रही है जिसके कारण हमारे उपभोक्ताओं को क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो उन सभी चीज़ों से बचाने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं। आप उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। अब अपन को जानना है, वैसे तो अपन जान चुके हैं उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं, जैसे कि वो शिकायत दर्ज कर सकता है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसको चयन करने का अधिकार होता है। तो आज की वीडियो में अपन जानना है कि जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है उसमें कौन कौन व्यक्ति शिकायत कर सकता है, किन किन मामलों में शिकायत दर्ज की जा सकती है और कौन कौन से हमारी शिकायत का तरीका होगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि शिकायत कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला है एक उपभोक्ता या उसका संघ। तो सीधी सी बात है कि कोई भी उपभोक्ता जिसके पास साथ शोषण हुआ है, मिलावट हुई है या फिर मूल अधिक ले लिया है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो एक उपभोक्ता शिकायत कर सकता है, या फिर अपन ने मान लीजिए उपभोक्ता का एक संघ बना लिया है तो एक उपभोक्ता का संघ भी क्या कर सकता है, शिकायतें दर्ज कर सकता है। दूसरी चीज़ होती है हमारी केंद्रीय सरकार, यानी कि केंद्रीय सरकार भी क्या कर सकती है, उपभोक्ता संरक्षण के मामले में अगर किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी होती है तो वह शिकायत दर्ज कर सकती है। तीसरी होती है हमारी राज्य सरकार या फिर जो परिषदें होती हैं जिनके साथ भी किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी होती है, किसी भी प्रकार का कोई मिलावट होती है, मूल्य के संबंध में होता है या फिर कोई वस्तु का उपयोग करने से उनके स्वास्थ्य को हानि होती है, तो वह भी क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपना क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो एक उपभोक्ता या उपभोक्ता का संघ, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और उनकी जो परिषदें हैं वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या कर सकती हैं, शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अब अपन को यहाँ पर जानना है कि ऐसे कौन कौन से मामले होते हैं जिनके संबंध में अपन क्या कर सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है अधिक मूल्य के संबंध में। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो कितने रुपए की है, 10 रुपए की है। अब 10 रुपए की वस्तु में मान लीजिए आप दुकानदार प्रॉफिट लगा के आपको 12-13 रुपए में दे सकता है। अब लेकिन वही 2 रुपए की वस्तु अगर आप 20 और 25 रुपए में बेच रहे हैं तो ये तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। तो अधिक मूल्य के संबंध में यानी कि वस्तुओं की जो एक्चुअल प्राइस है उनसे अधिक से अधिक मूल्य लेने के संबंध में अपन क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है माल में कमी होने के संबंध में। मान लीजिए आप दुकानदार से किसी भी प्रकार के कोई माल लेके गए हैं, घर जाके आपने देखा तो उसमें बहुत सारी कमियां नज़र आईं, टूट फूट हुई उसमें, या उसकी क्वालिटी जो आपने एक्सपेक्ट की थी वो क्वालिटी उसमें नहीं है, तो इस संबंध में भी अपन क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है अनुचित व्यवहार के संबंध में। अनुचित व्यवहार का संबंध होता है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं हमसे व्यापारी से माल लेकर गए हैं, अब आप उसमें मिलावट करें, जमाखोरी करें, उनके साथ शोषण करें, उनका किसी भी प्रकार से अधिक मूल्य ले लें उनसे, तो इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार के किसी भी उपभोक्ता के साथ कोई भी अनुचित व्यवहार होता है तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अपन को देखना है यहाँ पर शिकायत करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक फोरम बनाई जाती है जो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर बनाई जाती है। तो संबंधित ग्राहक जिस स्थान पर है, राष्ट्र, अगर कोई छोटा मोटा केस होता है तो जिला स्तर पर, फिर उससे बड़ा तो राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर अपन उसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इस स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें बनाई गई हैं जिसके अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए कोई निःशुल्क रहता है वैसे तो शिकायत करना, और अदरवाइज कोई क्रिटिकल कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, कोई शुल्क देकर अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने जाना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतें कौन कर सकता है, शिकायत करने का तरीका क्या होगा और किन मामलों में अपन शिकायत कर सकते हैं।
अब अपन जानते हैं कि उपभोक्ता मंच फोरम क्या होता है और अगर कोई उपभोक्ता मतलब कोई व्यापारी जो है वह उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो उसको कौन कौन सी दंड का प्रावधान माना जाता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता मंच जो फोरम है उसमें तीन स्तर पर कार्य किए जाते हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। अब अगर जिला स्तर पर उन मामलों को दर्ज किया जाता है जहाँ पर 20 लाख तक के केस रुपए तक के केस आते हैं, वहीं अगर हम देखें जिला स्तर के बाद हमारे राज्य स्तर पर आते हैं 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के केस, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी होती है तो वह सीधे मामले जाते हैं हमारे राष्ट्र में। अब यहाँ पर इन सब जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या राष्ट्र स्तर पर हो, सभी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और उनमें कुछ वर्ष की आयु दी गई रहती है। अब 5 वर्ष या व्यक्ति जो संबंधित उसका गठन कर रहा है उसकी आयु में जो भी चीज़ पहले आ जाती है वहीं पर इसका कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी उपभोक्ता है जिसमें कम रुपए की हानि होती है मतलब कि धोखाधड़ी होती है तो भाई जिला स्तर पर जाएगा, अधिक हानि होती है तो राज्य स्तर पर, और अगर बहुत अधिक यानी कि एक्सेस 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक की हानि है तो भाई राष्ट्र स्तर पर जाकर क्या करता है अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। वहीं यहाँ पर देखते हैं दंड संबंधी प्रावधान, यानी कि कोई भी उपभोक्ता है जो व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी के केस में आया है तो यहाँ पर दंड का प्रावधान भी किया जाता है। वैसे 2000, 20000 और 3 साल तक की इसमें कारावास भी हो सकती है, और अगर बहुत अधिक क्रिटिकल केस है तो कारावास और जो जुर्माना है वह दोनों ही हमें देना पड़ता है। तो इस प्रकार अपना जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण वह पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसकी प्रॉपर स्टडी करिए। तो इस चैप्टर में अपन ने जाना था कि जो हमारे उपभोक्ता हैं जिनके जिनमें मतलब व्यापारी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है मिलावट के संबंध में, वस्तुओं के संबंध में, उनकी क्वालिटी के संबंध में या उनके मूल्य के संबंध में, तो प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि वह उपभोक्ता फोरम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत करने का कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, और उसके बाद में भी कुछ दिन रहते हैं जैसे कि 14 दिन है उसके मतलब अपना उनको केस समझाना रहता है और उसके बाद में वो आपको न्याय दिला देती है। साथ ही साथ इसमें सबसे जरूरी है कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए कि वह उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, सबसे पहले इन बातों की जानकारी लेनी चाहिए, फिर इन बातों की जानकारी जब उसको होगी तो वह अपने अधिकारों के प्रति आसानी से लड़ सकता है और अपने लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। अब आपका पूरा तरीके से कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप घर पर प्रॉपर स्टडी करिए, आपके पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट बनता है तो आप स्कूल में आकर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।